गोलगप्पे तो भैया के पास पेंडिंग रह गए दिल्ली के, ना उन्होंने तो वो वाले तो बेकार थे यार। हल्दीराम वाले दिल्ली आ गए, अब दिल्ली आ गए तो पक्का ला रहे हैं। हल्दीराम वाले तो भैया यहां पे मिल जाते हैं। हल्दीराम वाले प्रॉपर जो टिपिकल होते हैं ना। गोलगप्पे खाने की तो भरवा चाट खानी है। मैंने जो मर्जी खाई है दोनों मेरे को। चल ठीक है फिर भरवा चाट हो लियो। मैं अगर कभी हुआ वहाँ पे नहीं हूँ, मम्मी बीकानेर की करा देंगे। वो असली वाला बीकानेर नहीं है, एक बीकानेर एक है बीकानेर वहाँ पे तो बीकानेर वाला ना जिनके यहां से मुझे नहीं, नहीं नहीं वो नहीं है। देख इसको तो मजबूत लगे जैसे हल्दीराम ना ऐसे सेम दूसरे नंबर पे इंडिया में आता है बीकानेर वाला। तो मैं तो बीकानेर कह रहा हूँ, बीकानेर वाला नहीं कह रहा हूँ, बीकानेर कह रहा हूँ। तो मुझे पता है बीकानेर वाला क्या नहीं खाओगे तुम। पर छोटे छोटे ही होते हैं ना, रेडियां उड़ी होती हैं केवल उनको भी बहुत मजा आता है। रेडी होते हैं तो मजे आते हैं। रेडी एडमिट थे कईयों को पता क्या होता है, हाँ बड़ी दुकान मतलब ऊंचे ऊंची दुकान थी वो दुकान है ना, दस रुपए खाते हो ना। हाँ पूड़ियाँ आलू की सब्जी, हाँ वो देखो है ना, वही मैं कह रहा हूँ। कई बार यही होता है कि जो छोटी छोटी रेडियाँ हैं ना फूड बड़ा टेस्टी होता है। अब पता नहीं अंदर मतलब कैसी हाइजीनिक वगैरह क्या होता है, हाइजीन वगैरह होती कि नहीं होती, लेकिन नहीं, होता है, होता है। होता है। नहीं हाइजीन तो ऐसे ही होता है। नहीं, उनका तेल सस्ता मस्ता होता है। हाँ हमारे भी छोले भटूरे वाले मामा अपने खाते शौक से। हाँ तो मामा के हार्ट का मतलब नहीं मामा जी। हाँ अभी तो नहीं खा रहे, पहले मेरी मम्मी ने भी खा रखे हैं। हाँ सब ने खा रखे हैं। उसका क्या सीन है, शादी हो रही है वहाँ पे? पता नहीं शायद हो रही है, वो देखो शादी हो रही वहाँ पे ना। चला वीडियो बना ले। नहीं बस मुझे हो गया ना, साथ में आसपास वाले लोग खड़े हुए हैं, कोई ढोल धमाका कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे शादी करके चल जाएंगे वो दर्शन करने। बस इधर से चल पड़ते हैं। अच्छा नहीं है ये रिवर्स वाले भी सही है ना। हाँ कंफर्टेबल है। हाँ स्टॉप जाना आपने कहाँ जाना है? इसके बाद चलते हैं बुंडाई बीच है ना, बीच पे ले लो। हाँ पानी पूरी पी लेते हैं, बुंडाई बीच चलते हैं, फिर उसके बाद हैरिस पार्क में खाना खाना है, फिर चलते हैं हैरिस पार्क में। टाइम नहीं चल रहे, होटल नहीं जाते फिर। ये बरगद का पेड़ पता है देखो कितना पुराना है, मुझे भी नहीं पता, 50 में तो नहीं होगा, काफ़ी पुराना है। यहाँ पे प्रिंस के दादाओं ने जब आज़ादी की लड़ाई रही थी तब आए थे यहाँ पे, पेड़ लगाया था तेरे दादाओं ने। ये देखो ये बोरिंग से, ये देखो ये भाई बोरिंग शादी हो रही है। पाजी भी बस आ गए हैं अभी 6-7 महीने पर, पाजी पार्क में लेके खड़े होंगे ना। ठीक है पाजी हो जाए बस, मतलब की जितने मर्जी खड़ा करा लो। नहीं ऐसा नहीं कि हो जाए, तो पापा जी कहने के मजा लिया तुम। हां दुल्हन तो पता ही लग रही है अभी तो आएंगे ना, वो वैन के अंदर बैठे होंगे वहाँ से एंट्री मारेंगे। अच्छा। वो ना गाना लगा रहा दिन शगनादा एक दो बंदा आ जाए, ओ बिल्ले तेरी भुआ भज गई सही है। बुआ फुफड़ कुछ नहीं है, अभी तो आ रहे हैं गेस्ट, वो वी गेटिंग लेट वी गेटिंग। अरे चलो यार कुछ नहीं है यहाँ पे ना, वो देखना ये देखना बेस्ट मैन तो खड़ा हो गया, वहाँ तो खड़े हो गया बोलो नहीं आ रहा नहीं। इनके इनके जन्म भरण ऐसे ही होता है, साढ़े बजे तक भोग भी रहता भी अल्लाह गुल्ला जन्म हर पास अल्लाह गुल्ला हर पास। वो नहीं किया था
पे इनकी शादी में दूर तो नहीं है। गिटार बजा रहे साढ़े बजे शराब पी के गिटार तोड़ दे दो मिनट की कर रहे तुम्हारी रिसेप्शन में नहीं मैं दादा रिसेप्शन में खड़ा हुआ वहाँ पे तो एंट्री हो रही है वहाँ पे तब तुम दोनों नहीं आए थे मैं और अरेंजमेंट नहीं चले गए तो एकदम मतलब उसमें शराब उन लोगों ने उस टाइम पीनी शुरू कर दी एक अंकल जी पी रहे एकदम ऐसे खड़े खड़े मासी आई छोटी मासी अंदर आई एक अंकल जी बात करते करते इससे पीछे गिर गए बिल्कुल पीछे की तरफ गिरे मैं कौन नहीं है मैं मासी को उठा चलो चलो यार ये तो दुल्हन तो पता नहीं उनके लगे दर्द पी के बड़ी कहीं पे ये सही है एयरफोन से बनाने चाहिए है ना उधर भी आएंगे काफ़ी देर वहाँ पे तो मेलबर्न में हाँ वैसे मैं कह रहा हूँ मैं कि जो वो है ना सिंगापुर वाला ही है ना सिंगापुर वाला शेर ये भी वही है ना बैम्बूस वाले मैं तो जब उतरा था सिंगापुर इतनी बारिश हो रही थी मैं तो वापस ही आ गया था ये वहीं के बैम्बूस वाले वहीं के ये बैम्बूस में के वही होते हैं नहीं पकड़नी पड़ेगी मुझे वहाँ गर्मी होती है तू हांगकांग जाइयो अगली बार जाएगा ना हांगकांग भाई हांगकांग होके जाइयो तू हांगकांग में अच्छे यहाँ मैं क्या ये वही डाक है ना ये है फाइव लिटिल डक्स टर्टल भी होता है वो बैठा हुआ है अकेला असली गई है ना फाइव लिटिल डक्स ओवर द हिल एंड फार अवे ना ये आपको बहुत पसंद है ना डक नहीं तो थोड़ा से अच्छा और इतने स्वाद एक ना कल वीडियो देख रहा था मैं ना फार्मिंग लीडर पे तो वो बंदा कह रहा भी इजराइल में जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना जो सेब है वो उसका ठंडे इलाके का फ्रूट है ना तो उन्होंने एक ना सीड वो किया इन्वेंट किया वो जैसे राजस्थान में उगा लो तुम सेब महाराष्ट्र में उगा लो हरियाणा 0 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के किसी भी टेम्परेचर में हो जाता है वो ना पर ग्रीन कलर का वो सेब है वो ग्रीन टू थोड़ा रेडिश है इधर चल रहे आई थिंक यहाँ पे ना नीचे नीचे चल देंगे वहाँ से जाना यार सही है देखने वाला है सही है ना वो ही मैं यार सारे काम तो लग गए ना बेचारे ना ये लोग पिकनिक बोला नहीं बोलती क्या ना जिस टाइम अरे सोना आ रहा है बंदा उसे इंडिया काम पे जा रहे होते हैं सही गल है सही एक दिन तो कटना चाहिए अपने वास्ते यार रॉयल बोटैनिक गार्डन सिडनी इज नॉट ओनली अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट आवर प्लांट्स एंड कलेक्शंस आर क्रिटिकल टू आवर बोटैनिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स हेल्प डिफेंड द प्लांट्स वी लव एंड नीड ओके जी सही है आ जाओ थक गए क्या यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे सीधा हाँ नहीं एक ही बात है जाना तो हमने वो उधर उपरले पास है बोट के पास थक गई क्या चलो सर आ गए बस इधर से सीधा चढ़ना हमने तो मैं तो कुछ कह रहा हूँ मैं आते लेके आया था ना हमारे को बड़ा काम किया 24 घंटे मतलब कि लगातार ना हूँ तो कह रहा सिक्योरिटी लाइसेंस छेती बनता नहीं हूँ तो साल लाना पैना साल पहले भी इतनी साल तो बाद ही बनता है अच्छा अच्छा हाँ पहले भी साल तो बाद ही बनता है हम पहुँच गए 20-30 मिनट्स की वॉक के बाद रॉयल बोटैनिक गार्डन तो पहले आप इस तरफ आएंगे जो क्वीन मैकवेरिस की चेयर है जो उसका व्यू
व्यू पॉइंट है, लुकआउट है, उस तरफ से आपको फिर बीच में से जाना पड़ेगा रॉयल बोटैनिक गार्डन के बीच में से, या फिर आप ओशन के साथ साथ भी जा सकते हैं आप, वहाँ पे भी एक फुटपाथ बनाया हुआ है ना, उस तरफ से जा सकते हैं। बट यहाँ से 20 मिनट्स की वॉक के बाद आप सिडनी ओपेरा हाउस जा सकते हैं, या फिर आपको बीच में सिटी में से जाना पड़ेगा। लेकिन इस साइड हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे $9 पर आवर की पार्किंग है, तो आई थिंक यू नो इंडिया के रफली अबाउट 500 रुपीज़ एक घंटे की पार्किंग के लिए, विच इज़ फेयर इनफ, सही डील है। लेकिन अगर आप उस तरफ से जाओगे सिटी की तरफ से सिडनी ओपेरा हाउस के जो अंडरनीथ है अंडरकवर पार्किंग है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो अबाउट $50 to $70 आई थिंक, जो मेरे को उसने बोला लटके ने, तो अबाउट यू नो 2 से 3 हज़ार पर आवर की पार्किंग। तो हम यहीं से चलेंगे क्योंकि वहाँ से दोबारा पार्किंग ढूंढो, मिले ना मिले कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बढ़िया था हमारा ना, तो फाइनली वी आर बैक, और यहाँ पे इससे हमने पे कर दिया था, ये मशीन्स लगी हुई हैं मीटर पे एट एनी पार्किंग मीटर बाय व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, अपनी रेजो भर देंगे आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का नंबर, तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, टाइम भरेंगे, तो उसके बाद आ जाएगा आपको कितनी कितनी आपने कितने घंटे की पार्किंग चाहिए। तो मुझे चाहिए थी 2 घंटे की, तो मैंने 2 घंटे का पे कर दिया था $18, ठीक है। और यहाँ पे इस पे लगे होते हैं साइंस के वाले 24 आवर पार्किंग, मीटर्ड पार्किंग यानी मीटर के, और इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज, तो यहाँ पे लगे होते हैं। ये नहीं है अभी, हाँ कहीं पे भी कोई भी पार्क कर गया तो सारा सिस्टमेटिक पैटर्न से बना हुआ, सिस्टम से बना हुआ है यहाँ पे ना। और यहाँ भी इतनी भी कारें देख रहे हो आप, सारी एक लाइन में लगी हुई है, ये वाइट लाइन लगी हुई है, इसके बीच में एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये नहीं है कि 2 टायर आगे और 2 टायर पीछे, इसके बीच में ही खड़ी होनी चाहिए, वरना उसका भी फाइन है आपके पास आके ना, क्योंकि आप दोनों कारों की पार्किंग ख़राब कर रहे हो। ये आप देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 चार कारों की पार्किंग है यहाँ पे ना, तो आपको ऐसे ही लगानी पड़ती है ये वाली, वो हमारी पूरी पीछे लास्ट में गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे ना, तो सही है भाई। तो क्रूज वहाँ से घूम घूम के वहाँ पे आ गया, पार्टी करेंगे, पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई, तो सही है। बाकी हम घूम के आ गए हैं वहाँ से, और अभी हम जा रहे हैं सीधा, नेहा भी कहाँ जा रहे हैं, बंडाई बीच, हाँ अभी हम जा रहे हैं बंडाई बीच। और कितनी देर लगेगी पाजी यहाँ से, यहाँ से मेरे ख्याल से हैं, पैदल नहीं गाड़ी से, गाड़ी बता रहा हूँ मैं तो ब्लैकटॉन से गाड़ी पकड़ी थी ना, अच्छा अच्छा, वहाँ से 1 घंटा लग गया था, एक घंटा 45 मिनट लग गया। बंडाई बीच के ऊपर से ही है लुकआउट वगैरह, नीचे तो मुश्किल ही जाएगा ना, सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, देखते हैं तो फोन, अपना फोन दे दे मेरे को, नेट पे देख लेता हूँ एक बार, फिर उसके बाद चलते हैं वहाँ पे ना। मौसम सही था आज यार, इतना ना ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी, है ना, क्योंकि तो रीजन तो देख चुका है, हाँ सारा, उसके अलावा फिर ये हो गया ओपरा हाउस हो गया, कौन सा वहाँ पे माउंटेन्स कहाँ पे गए थे, नहीं थ्री सिस्टर नहीं, यहाँ पे नहीं, मेलबर्न में भी है एक ऐसा ना, माउंट गैम्बियर, नहीं माउंट गैम्बियर, माउंट गैम्बियर नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया, माउंट बुलर,
माउंट बुलर भी अच्छा है, ये बर्फ पड़ती है यहाँ पे, बर्फ पड़ती है माउंट बुलर में, जून जुलाई, हाँ वहाँ पे भी अच्छा है। मेलबर्न में यहाँ नहीं, इतने नहीं होते, वहाँ पे क्या है, वहाँ भी ह्यूमिडिटी कम है, यहाँ रात में बैठे सीट में वहाँ भी पसीना नहीं आता, बहुत कम आता। आ गई हमारी गाड़ी, ओ चलते हैं अभी हम। बाकी चलो हम आपको मुंडाई बीच के ऊपर पहुंच के फिर आपसे बात करता हूँ, मैं मुंडाई बीच या मैनली बीच के ऊपर जो भी मेरे को अच्छा लगा वहाँ पे जाके फिर मैं दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये तो वैसे ही बनाया हुआ ना, ताज होटल, ताज होटल नहीं ये ऑस्ट्रेलिया होटल है, उन्होंने ना ये यहाँ की मकड़ी है, ये यहाँ का महाराणा प्रताप था पीछे, महाराणा प्रताप। दिल्ली से तो चांदनी चौक से गड्डी चला ली है, कितने चला लेगा। पूरा वही खोलया इन्होंने यार, आ देखो
आज भीड़ ज्यादा ही नहीं है यार यहाँ पे, पिछली बार तो नहीं इतनी। जा रहे हैं हम भी।